Good morning, class first. This is your EVS class, so check out your EVS book. In previous video, we had completed our chapter number 7, house. Okay, so today we are going to start our next chapter number 8, water, which is given on page number 42. So open page number 42. And here is your page number 42. In this page, your chapter number 8 is given here. And the name of chapter is water, means pani. Okay. So, aaj hum water ke baare mein study karenge. Okay. So, let's start. Water is one of our basic need. पानी क्या है, एक हमारा या जो डेली की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है वह है. ओके, हमारे दैनिक जीवन के का एक भाग है. ओके, ये हमारा बेसिक नीड्स है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं. वी कैन नॉट लाइव Without water, animals and plants also need water. Okay, वैसे ही जो जानवर हैं, पौधे हैं, उनको भी पानी की आवश्यकता है हमारी तरह. We use water for different activities. Okay, so हम पानी का इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए करते हैं, जैसे drinking. ओके, पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, और बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ कपड़ा धोने के लिए, और किस लिए होता है, क्लीनिंग अटेंसिल्स बर्तन धुलने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग फ्लोर. ओके, फ्लोर को साफ करने के लिए, जो फर्श है उसको साफ करने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स पौधों में पानी देने के लिए, पुटिंग आउट फायर आग को बुझाने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मीन्स यातायात के लिए. सो पानी क्या है, हमारा एक बेसिक नीड है. ओके, जो डेली के यूज के लिए आवश्यक है, ये हमारे डेली के काम में आता है, और हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं. वैसे ही हमारी तरह जानवर और पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है. और पानी का किस किस कामों के लिए उपयोग होता है, सो ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग अटेंसिल्स, कुकिंग, क्लीनिंग फ्लोर, वाटरिंग प्लांट्स, पुटिंग आउट फायर, ट्रांसपोर्टेशन. ओके, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए, आग बुझाने के लिए, यात्रा करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के लिए, एक स्थान से दूसरी जगह पे जाने के लिए, जैसे नाव पे हम लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और सामान भी हम ले जा सकते हैं. सो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है. ओके, अगर हमें नदी पार करना हो तो हम बोट का यूज करते हैं. तो पानी जो है बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, और यह दैनिक जीवन में भी हमारे डेली के काम में आता है. और क्या है, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, और पौधों को उगने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, और जानवर जो होते हैं उनको भी पीने के लिए, नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. अब इसके सोर्स देखते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर, जो पानी का सोर्स है वो, इसका स्रोत क्या है.
वी गेट वाटर फ्रॉम, हम पानी पाते हैं कहाँ से? रैन, बारिश से, रिवर, नदी से, सी, वेल, हैंडपंप, पोंड, लेक, स्ट्रीम, ओके, कुआं से, तालाब से, झील से, हैंडपंप से, ओके, सो हम पानी कहाँ से पाते हैं, कैसे पाते हैं? वी गेट वाटर फ्रॉम, हम पानी किससे पाते हैं? रैन, बारिश से, रिवर, नदी से, सी, समुद्र से, वेल, कुआं से, हैंडपंप, नल से, पोंड, तालाब से, लेक, झील से, एंड स्ट्रीम, धारा से, ओके? इन ये हमारा क्या है? सोर्स है, स्रोत है, किसका? वाटर का, पानी का, इससे हम पानी पाते हैं. वाटर रीचेज आवर होम विद द हेल्प ऑफ पाइप्स, टैंक्स एंड टैप्स, ओके? हमारे घर पे पानी पहुंचता है किसकी मदद से? पाइप, टैंक एंड टैप से, ओके? टिडबिट क्या है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, जो बारिश है, वर्षा है, ये हमारा मुख्य स्रोत है पानी का, ओके? मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन? रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वर्षा पानी का मुख्य स्रोत है, इससे हमें अधिक पानी मिलता है. नेक्स्ट क्या है? क्लीन वाटर, साफ पानी. We should always drink clean water. हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए? साफ पानी पीना चाहिए, ओके? गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ओके? सो हमेशा हमें कैसा पानी पीना चाहिए? साफ पानी पीना चाहिए. There are many ways to clean water and kill germs in it, ओके? बहुत से तरीके हैं जिससे हम पानी को साफ कर सकते हैं, उसके कीटाणुओं को हम मार सकते हैं. कैसे? बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालकर हम पानी को साफ कर सकते हैं, उसके कीटाणु जो होंगे वो मर जाएंगे. नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफाई, ओके? ये कैसे होता है? इलेक्ट्रिक विधि से पानी को साफ करता है. नेक्स्ट क्या है? वाटर फिल्टर, एक फिल्टर द्वारा पानी हमारा साफ होता है. टर्न योर पेज. नेक्स्ट क्या है? सेव वाटर, पानी को सेव करना, पानी को बचाना. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, पानी क्या है? हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें पानी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी मस्ट नॉट वेस्ट इट और मेक इट डर्टी, ओके? इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और उससे गंदा नहीं बनाना चाहिए, ओके? जैसे नदी में, तालाब में क्या करते हैं लोग? वहां पे नहाकर पानी को गंदा कर देते हैं, कपड़े धुलकर, बर्तन धुलकर वहां पे नदी का पानी गंदा कर देते हैं, जो वो पीने लायक और हमारे काम के लायक वो नहीं रह जाता. और पानी क्या है? हमारे लिए बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. सो हमें पानी की वेस्ट नहीं करना चाहिए और गंदा भी नहीं करना चाहिए. गंदा करके भी हम पानी को बर्बाद कर देते हैं, अगर वही गंदा पानी हम पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए पानी को गंदा नहीं करना चाहिए. अगर हम पानी बर्बाद करते हैं तो बाद में ऐसा टाइम आएगा फ्यूचर में कि हम पानी हमें पीने के लिए भी तरसना पड़ेगा, पानी की कमी आ जाएगी, ऐसे ही अगर हम वेस्ट करते रहे तो. और पानी तो हमें चाहिए ही पीने के लिए, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. जितना यूज हो उतना ही पानी का यूज करें, फिर टैप को बंद कर दें, ओके? जितने देर के लिए हमें यूज करना हो उसे खोलें, फिर तुरंत बंद कर दें जब हम यूज ना कर रहे हो.
पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी मस्ट सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए. वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज. ओके, जब हम पानी का यूज नहीं करते हैं तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, वाटर, पानी. पानी क्या है? वाटर इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं और हमारी तरह जानवरों को भी पानी की आवश्यकता है, पौधों को भी पानी की आवश्यकता है. और हम वाटर को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, अलग अलग कामों के लिए, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए, आग बुझाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए. ओके, सो पानी को हम अलग अलग कार्यों में यूज करते हैं और ये हमारे डेली के कार्यों में, डेली के जो कार्य होते हैं उसमें काम आता है. क्योंकि पानी पीना, नहाना, कपड़े धुलना, खाना बनाना, फर्श साफ करना, बर्तन धुलना, ये हमारे डेली के काम है. ओके, एंड प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, और पौधों को भी उगने के लिए, उनको बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. अगर हम पानी नहीं देंगे पौधे में तो पौधे क्या होंगे? सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे और उनका विकास नहीं हो पाता है, वो सूख के टूट जाते हैं. सो हमें अगर प्लांट्स को बचाना है, पौधे बचाने हैं, फूल अगर उसमें उगाना है, फल उगाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? पौधों में पानी डालना चाहिए ताकि उनका विकास हो और हमें उनसे फल और फूल मिले. और जानवर जो है उनको भी पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, नहाने के लिए भी उनको पानी चाहिए. और पानी का सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? वाटर का मेन स्रोत क्या है? रैन. रैन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. और हमें पानी किससे मिलता है? वर्षा से, नदी से, समुद्र से, कुआं से, हैंडपंप से, तालाब से, झील से और धारा से. ओके, और हमारे घर पर पानी कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता है? पाइप के द्वारा, टैंक के द्वारा और टैप्स के द्वारा. और हमें कैसे पानी पीने चाहिए? क्लीन वाटर, साफ पानी. और इसको साफ करने के कई तरीके हैं. कितने तरीके हैं? बहुत से तरीके हैं, जिससे हम उसके कीटाणु को मार के उसे साफ बना सकते हैं पीने योग्य. जैसे बॉइलिंग वाटर, पानी को उबाल कर हम उसके कीटाणु, उसके जो जर्म्स हैं उसको मार देते हैं और वो पानी शुद्ध हो जाता है पीने लायक. सो हम एक तरीका ये है बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालकर उसे छान कर पीते हैं. सेकेंड है इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफाई. ओके, इलेक्ट्रिक विधि द्वारा पानी को प्यूरिफाई करना, जैसे आरओ है. सो इससे पानी क्या होता है? साफ हो जाता है. एंड वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर जो है पानी को साफ करता है. और क्या है? सेव वाटर. क्यों? क्योंकि पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को बचाना चाहिए, ना कि इसे बर्बाद करना चाहिए और ना ही इसे गंदा करना चाहिए. और हमें, हम जब इसका उपयोग करें तभी पानी का टैप जो है उसको ऑन करें, और जब यूज में ना हो तो बंद कर दें. ओके, हम पानी सेव कैसे कर सकते हैं? पानी का जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज करें, फिजूल की बर्बादी ना करें. ओके, जैसे नहाते समय लगातार अगर आप नहा रहे हैं बाथरूम में और टैप ऑन है, पानी गिरते जा रहा है, तो नहीं. जितना हमें पानी का यूज है उतना ले लें, फिर टैप बंद कर दें और अपने आवश्यकता अनुसार नहाकर निकल लें.
जो भी काम कर रहे हैं अगर जब तक हमारी यूज में है तब तक टैब को ऑन करें, और यूज में नहीं है तो टैब बंद कर दें। ओके, इससे हमारा पानी बचेगा जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और फ्यूचर के लिए भी यह अच्छा होगा। हमें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाद में ऐसा आ जाएगा कि पानी की किल्लतें हो जाएंगी, हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। ओके, हम लोग पानी को इतना बर्बाद कर देंगे कि बाद में हमारे लिए पानी पीने के लिए भी नहीं बचा रहेगा। इसलिए पानी की बर्बाद ना करें, उससे गंदा ना करें, जब पानी का यूज ना हो टैप को बंद कर दें। ओके, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो इसे आप लोग रीड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, और आज की क्लास में ओवर करते हैं। थैंक यू।